वेलकम बैक माई अनदर ब्लॉग्स। मेरी बाइक में प्रॉब्लम आ चुकी है कुछ, तो आज हमारे माइक में भी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है यार, पता नहीं किस लिए। फ्राइडे को हम निकल रहे हैं, कहाँ पर? सर्विस सेंटर जा रहे हैं, तो हमारी बाइक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है। तो बहुत दिनों से दिक्कतें फेस कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले तो ये यार, ये जो मीटर है ना, मीटर पे लाइट जल रही है। अगर मैं यहाँ पर ये स्विच ऑन करता हूँ ना, तो सारी लाइट जलनी चाहिए, मीटर की भी लाइट जलनी चाहिए। मीटर की लाइट बिल्कुल नहीं जल रही, क्योंकि मैंने एक दिन इसको धोया था अच्छे से, तो यहाँ से मैंने देखा कि इसका ना ये आप देख रहे, ये टूटा हुआ था, तो इसके वजह से इसमें पानी चला गया। पानी जाने के बाद अब ये मीटर ख़राब हो गया यार। और एक और बात, और ये मेरा इंजन ऑयल भी ड्रेन हो चुका, मतलब अंदर से जल चुका है, कम हो चुका है थोड़ा। तो आज सर्विस सेंटर चलते, ARV ब्रदर्स करके है यूट्यूब चैनल उनका, तो मैं वहीं पर जाके बताता हूँ सब कुछ। तो चलते हैं रास्ते पे अब। तो आज मैं आपको वॉइस रिकॉर्ड नहीं सुना पाऊँगा, क्योंकि मेरा जो माइक था वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो इसी के वजह से मैं आज वॉइस रिकॉर्ड नहीं सुना पाऊँगा। तो आप गाना को एंजॉय करना बिना वॉइस के, आपके लिए मैं म्यूज़िक चला देता हूँ। ARV ब्रदर्स की टीम, ये रहा अभी देख सकते हैं आप, मीटर की हालत ये है, मीटर गायब हो चुका है, ठीक करने के लिए दे रखा है। और ये बाइक मार्केट है, ये नदीम भाई की दुकान है जिसमें हम ठीक कराने के लिए आए। एक लीटर जितना तो नहीं होगा ना तेल इसमें। अपने बाइक की तो हालत ऐसी है भाई, चमक रहा है भाई क्लच प्लेट। और जो ये चीज थी वो निकल गई है। काम एकदम बढ़िया हो गया ना, मतलब ये सही हो गया, नया नया एकदम। अब आया मजा, आया ना मजा, ये वाला मजा आया। जीरो पे चला गया पूरा ट्रिप, पूरा मीटर जीरो पे चला गया। ठंड लग रही है ना, उसकी वजह से बोल भी नहीं पा रहा ज़्यादा। हाँ ठंड हो रही है।
काफी देर बैठ गया जमीन पे, मैं वहाँ पे वहाँ बैठ गया ना जमीन पे। बढ़िया था दुकान पे। मैंने बोला चलो कोई नहीं, अब काम कर रहे तो कर रहे, अब बोलेंगे तो। गाड़ी भी नहीं धोई ना इसके चक्कर में मैंने। लाली पेट का है क्या भाई? ये रहे, ये रहे सारे। अब सही हो गई। कौन सी मार्केट है वैसे? अरे मार्केट का नाम मत दो, यहाँ बड़े गंदी मार्केट। मेरा नाम है बराल दो बात। मार्केट का नाम डालोगे ना ये बड़े गंदा मामला भाई, पूरा नहीं मानना। ओ भाई साहब ये टूट गया यार मेरे से, पता नहीं मैंने हेलमेट कहाँ पर रख दिया था, टूट गया। आज एक और नुकसान हो गया फिर से। काफ़ी लेट हो चुके थे हम घर पहुँचते पहुँचते नदीम भाई की दुकान से। आते आते पहले गए थे ARV ब्रदर्स के पास सर्विस सेंटर, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तो मीटर का काम नहीं कर पाऊँगा, आपका इलाज तो नदीम भाई के पास ही है। मेरा सेल्फ में प्रॉब्लम हो रही थी और मीटर में प्रॉब्लम थी, डिस्प्ले पूरी ब्लैंक हो गई थी क्योंकि उसमें पानी घुसने के बाद तो ख़राब ही हो चुका था वो सब। यार हम गए थे नदीम भाई के पास, आपको मैं ARV ब्रदर्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो ये रहा मीटर, और मीटर का काम एकदम परफेक्टली हुआ है। तो ये इसकी लाइटें हैं ना जो, अब यहाँ से मैं जलाता हूँ उसको, पार्किंग लाइट्स तो जलती है इसकी। तो अब जो ये डिस्प्ले था, डिस्प्ले भी ख़राब हो चुकी थी इसकी, तो अब तो ठीक है। अब मैंने पूरा मीटर डलवा लिया था क्योंकि वो जो पुराना मीटर था पूरा ख़राब हो चुका था अंदर से। अब नदीम भाई ने बोला कि इसको, पुराने मीटर को ठीक कराओगे तो पैसे ज़्यादा लग जाएंगे आपके मीटर ठीक कराते कराते, आप नया मीटर लगवा लो। मेरे पास पड़ा हुआ, उनके पास पड़ा हुआ था, तो मैंने चलो मैंने डलवा लिया, मेरे को कहीं बेचनी नहीं है बाइक तो इसलिए मैंने डलवा लिया। तो आपको, आपकी मर्ज़ी है, आपको उसी मीटर को ठीक कराना है या आपको नया डलवाना है। तो मैं नदीम भाई का, उनकी दुकान का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप चेक कर लेना। और जो हमारे सेल्फ का काम हुआ था वो भी परफेक्टली चेंज हुआ, क्योंकि हमने उनके पास से ही काम कराया था ये सब का। तो सेल्फ का तो काम हमने करवाया था उनसे, तो उन्होंने मुझे एक्सचेंज करके दे दिया। 3 महीने की वारंटी दी थी कि सेल्फ एकदम बढ़िया काम करेगा, तो बीच में रास्ता छोड़ दिया था उन वारंटी में ठीक हुआ है। तो अब मैं इसकी आवाज़ सुना देता हूँ कैसी आवाज़ आ रही है अब, क्योंकि पहले तो जो था उसमें से टक सेल्फ चालू हो नहीं रहा था, तो आवाज़ आ रही थी टक टक करके, तो अब तो परफेक्टली काम कर रहा है। तो आपको सेल्फ की आवाज़ भी सुना देता हूँ एक बार, एकदम परफेक्टली काम कर रहा है सेल्फ। तो नदीम भाई के पास जाकर आप ये मत सोचना कि आपका पूरा काम होगा, उनको बस मीटर का काम आता है और सेल्फ का काम आता है। वीडियो बन चुकी है काफ़ी लंबी, तो वीडियो को करते हैं यहीं पर ही एंड। काफ़ी सारी बातें मेरी आपको अच्छी लगी होंगी, जो बातें आपको अच्छी लगी हो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, या कोई सी भी बातें आपको मेरी अच्छी ना लगी हो तो मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। आपका भाई इस चीज़ पे काम ज़रूर करेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, और अच्छी ना लगी हो तो भी डिसलाइक कर सकते हैं।